जोहार। झारखंड विधानसभा रे मानसून सत्र तिसिंग लो तुरुई सिंगी ओनो चबाओ तिया दिन ताईकिना कोनोरिया पनाटी को तलर तिसिंग वर्ग पांच रे सलाकन विभाग को इते राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एने ते परिवार कल्याण विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग एने ते विधि विभाग रिया हिस्सी अपीय अल्पसूचित ओंडो हिस्सी उपनी तरंकित प्रसन्न सूची बदलेना एन रे बारी अल्पसूचित प्रसन्न रिया हनल सदने ते एमियाना ओंडो एन रिया पूरक कोनो कोरियो चर्चा हो बैना। अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, जिस कारण से इस राज्य में वर्षों वर्षों से ली गई जमीन आज रैयतों को वापस नहीं हो रहा है, मेरी चिंता इतनी है और इसीलिए हमने इसको सदन में लाया है। यह सरकार पहले भी कही है, मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार घोषणा की है इस बात की, सरकार ने भी कही है कि हम इसे वापस करेंगे। जी का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है और ये सरकार गंभीर है और जिस तरीके से इनका जो इच्छा है सरकार चाहती है कि इस पर विचार करेगी, क्योंकि लैंड बैंक को यदि सरकार को आवश्यकता है तो फिर रखे और अन्यथा रैयत यदि उसको डिमांड कर रहे हैं तो उसको वापस मिल जाना चाहिए, इसलिए इस पर हम लोग विचार करेंगे, बहुत जल्द इस पर सरकार निर्णय लेगी। वे मूल रूप से राज्य सरकार के कर्मी माने जाएंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के कर्मी तो हैं और इन सबों को लाभ कब से मिलेगा और कब तक होगा? हमने तो सारी स्थिति को खंड दो ही में क्लियर कर दिया कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और उसी मंशा के तहत हमने शासी परिषद में लाया है और हमने डायरेक्टर को इस विषय में अधिकृत भी किया है और ये भी निर्देश दिया है कि जब वित्त विभाग के सर्कुलर आए हैं, वित्त विभाग की तरफ से आया है, तो पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स को भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे और इसका यदि कोई बीच का रास्ता निकलता है तो निकालेंगे। जब तिसिक सुनने काल रे सभी मिसे केते गेल इरलिया सूचना तैकिना सभी सूचना को सदन रे पढ़ाओ याना मेनते मनातिंगिया ना उडो इना को संबंधित विभाग रे कुलो का मेनतिया निर्देश आसन पायतियो एमियाना सेनोयन कार्य दिवस को रे अस्थगित लेन ध्यानाकर्षण सूचना को मिलो केते गेल आर्या ध्यानाकर्षण सूचना को तिसिंगे कार्य सूची रे तैकिना मेंदो नेन सूचना कोयते मिये सूचनाओं का आईडी दैयेने ओंडो सभी सूचना को समागे तैयेने। मान्य सदस्यगण, चूंकि आज शुक्रवार है, सभा की कार्रवाई प्रथम पाली में 12:30 बजे तक ही चलेगी और नियमानुसार राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पड़ी हुई भी मान ली जाएगी और इन्हें संबंधित विभाग को भेज भी दिया जाएगा। इन प्रभारी वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव तिकिंग पायते भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिया उपनीय प्रतिवेदन सटल पटल रखिन रखाओ केड़ा। अब मैं राजकीय विधेयक लेता हूं, इसके पूर्व दो रिपोर्ट है। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व से संबंधित प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड राज्य का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखा परीक्षा में से संबंधित प्रतिवेदन। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रवर समिति रन सभापति माननीय चंपई सोरेन तिकी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 लगिन बैयकन प्रवर समिति रिया प्रतिवेदन सदन रे उपस्थापन हो बैना। सभापति प्रवर समिति। अध्यक्ष महोदय, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधायक 2024 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। तिसिंगे दोनों प्रिया पनेटी को जोकानो बदल केते राजकीय विधेयक प्रथम पाली रे इडीए ने और झारखंड अग्निशामक सेवा विधेयक 2024 झारखंड कारा सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 ओंडो झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 सदनेते पारित। मैं प्रस्ताव करता हूं कि
झारखंड अग्निशमक सेवा विधेयक 2024 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कल 1 अगस्त था, 1 अगस्त को हम लोग को विधेयक की कॉपी दी जाती है और आज उसको विचार के लिए सदन में लाया जाता है। महोदय, झारखंड विधानसभा कार्य संचालन नियमावली भी, और उस नियमावली में भी महोदय ये स्पष्ट है कि कब हम लोगों को विधेयक देना है, कितने दिन पूर्व देना है, तो इतने हड़बड़ी में लाने का कोई बहुत मतलब नहीं। महोदय, प्रवर समिति में भेजने का मतलब कोई विधेयक का विरोध करना नहीं है, बल्कि जो भी विधेयक हैं वो और कैसे इनरिच हों, कैसे बेहतर हों, और वह भी तब जब आप देखें पिछले 5 सालों में लगातार, तो इस विधानसभा से जल्दीबाजी में पारित किए गए विधेयक में से 30% से ज़्यादा विधेयक किसी न किसी त्रुटियों की वजह से वो पुनः वापस हो जाते हैं और पेंडिंग हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोयला आधारित भूमि, लो एस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकती है। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें, मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। दूसरी पाली रे चिमित सदन रिया कार्रवाई एटीएन रेदो गैर सरकारी संघप ईडीएन ने समय जो का होला साधने ते निलंबित लेन सदस्य को निलंबन अवधि चाबयन तय किना। तिसिंग साबी मिसे केते दो सी बरी गैर सरकारी संकल्प सूची बदलेना। विपक्ष रेन एसु पूरे सदस्य को सदन रे अनुपस्थित को तयकेन लगीते अकुआ गैर सरकारी संकल्प का इडी दयने उंडो सारियन संकल्प चितान रे विस्तार ते चर्चा होबयना। उंडो सरकार आश्वासन होबयन चनब का तयकेन सदस्य को बागे केते संकल्प एमतन मानी सदस्य को पाएते इना वापस इत उरेयना। गढ़शिला को जिला बनाने की सारी अहर्ताओं को पूरा करती है, जिसके संबंध में कई बार तत्कालीन उपायुक्त से लेकर के जिला के सक्षम पदाधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजी गई है, जो वर्षों से विचाराधीन है। गढ़शिला के जिला बनाने से इस क्षेत्र की जनता को अपने कार्यों से संबंध जमशेदपुर आने जाने से राहत मिलने के साथ साथ उक्त क्षेत्र का विकास को गति मिलेगी। लेकिन जिला बनाने की कुछ शर्तें हैं, और उसमें जिला बनाने के पहले उसकी भौगोलिक स्थिति, अन्य पूरक जो कार्यालय होते हैं, संबंधित कार्यालय के भवन का निर्माण, पदाधिकारियों के स्वीकृति, पद स्वीकृति आदि करना पड़ता है। उसके लिए आवश्यक है कि जिले से भेद प्रपत्र में पूरी अनुशंसा आए। पुलिस अनुमंडल तथा अनुमंडल संबंधी कार्यों में हो रही परेशानियों को देखते हुए सन 2001 में पुलिस अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया, परंतु हो रही परेशानियों उक्त प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में बरवाड़ी प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा अतिशीघ्र प्रदान किया जाए। उपायुक्त के माध्यम से अनुमंडल आयुक्त के ये कमिश्नर से आना चाहिए अनुशंसा, परमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भी अनुशंसा आना चाहिए, और अब इसमें एक नया चीज जोड़ा गया जिला परिषद। तो महोदय, जैसे ही वो अनुशंसा प्राप्त हो जाएगी तो उच्च स्तरीय समिति में रखकर उसका निर्णय ले लिया जाएगा। अध्ययन की जहाँ तक बात है TRI से, उससे पहले ज़रूरत है कि विधानसभा की एक कमिटी जिसमें TRI के भी कुछ मेंबर्स हों, और जितने भी जनजाति समुदाय या जाति समुदाय को मैंने जो मेंशन किया है उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमिटी में रहे, ताकि सही तरीके से चीज़ों का सुधार किया जा सके। इसलिए पहला जरूरी है कि TRI का रिपोर्ट इस जातियों के संदर्भ में लिया जाए। इसलिए आप को हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी TRI से मतलब तुरंत हम लोग इस जातीय विसंगति जिनके विषय जिनके बारे में आपने उठाया है उनको तुरंत रिपोर्ट मांगेंगे हम लोग कि इसका जांच करके आप रिपोर्ट दीजिए। गैर सरकारी संकल्प उभयन चनब सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री तिकिन वक्तव्य होबैना। सदन नेता तिकिन वक्तव्य होबंतन दीपली
विपक्ष रेन सदस्य को सदन रे उपस्थित को तैकिना बिंदु आको पायते सोरगोल हो बंतन तैकिना लिपिक लेखा पदाधिकारी का नियुक्ति किया अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने इन नियुक्तियों में 83% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नियुक्तियां दी है अध्यक्ष महोदय, सहयोग राशि हम लोग दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इसमें लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीना 12,000 हर साल 12,000 रुपया हम लोग उनके खाता में देंगे अध्यक्ष। आप अंदाजा लगाइए अध्यक्ष महोदय, किसी घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना रुपया उस घर में जाएगा। और सरकार का ये लक्ष्य है, आने वाला समय में हमारी सरकार आएगी और हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सभा ये कार्रवाई उभयन चनप माननीय अध्यक्ष तिखिंग समापन भाषण हो गयना। माननीय अध्यक्ष तिखिंग पायते समापन भाषण रे झारखंड विधानसभा रिया मोड़े सिरू में उपलब्धि कोरिया जिक्र हो गयना। एन चनप सभा रिया दुनुप अनिश्चित काल लगित स्थगित हो गयना। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तदश मानसून सत्र समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही पंचम झारखंड विधानसभा की अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा का संभवतः यह अंतिम सत्र है। इन 5 वर्षों में पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान 17 सत्रों का आयोजन हुआ एवं सभा की 121 बैठकें हुई। पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान 2313 अल्पसूचित, कुल 4086 तारांकित, कुल 750 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। पंचम झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा कुल 87 विधेयक लाए गए एवं 81 विधेयकों पर सभा ने अपनी सहमति प्रदान की तथा 67 विधेयक अंतिम रूप में कानून का रूप ले पाए। जन जन तक उनके जन प्रतिनिधियों की आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड विधानसभा टीवी अधिष्ठापित की गई, जिसका लाभ हम सब महसूस कर रहे हैं। पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान कुल 4 माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, श्री विनोद सिंह, श्री रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में विधायी परंपरा से उत्कृष्ट योगदान के कारण पुरस्कृत किया गया। पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तदश मानसून सत्र से हम यही संदेश लेकर जाएं कि आने वाला समय को झारखंड के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम कोई कर कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्यगण, आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आने वाला त्यौहार रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और छठ की अग्रिम बधाई आपके साथ साथ राज्य के समस्त जनताओं को देता हूं। आप सबों को मेरे तरफ से धन्यवाद और जोहार। अब सभा की कार्रवाई बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।